तो भाइयों आज हमारे सामने खड़ा है आइसर 557 5 स्टार क्रिपर गियर 2024 मॉडल। तो आज की वीडियो में हम जो इसे चलाकर देखें कैसी कुछ जो इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, चलाने में कैसा है ट्रैक्टर, आवाज़ वगैरह चेक करेंगे, इसके जो है ब्रेक्स वगैरह चेक करेंगे, गियर शिफ्टिंग चेक करें, क्लच स्मूथ है या नहीं। तो आज की वीडियो में पूरा देखें ट्रैक्टर को चलाकर। 2024 लेटेस्ट मॉडल है क्रिपर गियर। प्राइस भी मैं आपको जो एंड में बता दूंगा कि कितने कुछ जो प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। हरियाणा मंडी आदमपुर के अंदर एजेंसी है, वहाँ पर ही आपको जो है कितने रेट में मिलेगा तो उसका रेट मैं आपको जो है बता दूंगा। हरियाणा मंडी आदमपुर के अंदर एजेंसी है, यहाँ पर फुट स्टेप मिल जाते हैं और रिव्यू की वीडियो जो है मैंने इसकी बना रखी है, तो रिव्यू की वीडियो देखनी तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी इसकी। आ जाओ अब देखते हैं इसे चलाकर। और इसे जो स्टार्ट करने के लिए क्लच दबानी पड़ती है। कोई खाली जगह होने के अब बात करते हैं ट्रैक्टर आखिर चलाने में कैसा है। तो सबसे पहले अच्छी बात तो स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ मेरे को जो है इसके अंदर अच्छी बातें लगी। तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है ट्रैक्टर की, क्लच भी स्मूथ है, बस जो है ब्रेक्स के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। जैसा कि आपने जो वीडियो में देखा, मैंने जो पूरा जी जान लगा कर मैंने ब्रेक दाब रखे थे फिर भी जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं लग रहे थे, अच्छे से ट्रैक्टर नहीं घूम रहा था, तो ये दिक्कत लगी मेरे को। बाकी कम्फर्टेबल वैसे ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है, आप वैसे कम्फर्टेबल फील करोगे, वैसे काफ़ी अच्छा है ट्रैक्टर। और बात ये भी हो सकती है भाई, क्योंकि 16 के टायर है उसके कारण भी दब सकता है, नया ट्रैक्टर है बिल्कुल, लेकिन भाई 14 एक कंपनी दे ही नहीं रही है, 16 ही दे रही है, तो उसके अंदर भी ट्रैक्टर दब रहा है। वैसे काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है, 55 HP का, दबना नहीं चाहिए था, लेकिन काफ़ी जो RPM ड्रॉप कर रहा था ये। और भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझे, क्योंकि जो और कंपनियों जो ट्रैक्टर होते हैं ना, तो वो यहाँ पर कोई भी डंडी वगैरह दे देते हैं, जब पूरा ब्रेक लग जाता है ना तो ये वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन ये भाई रुकता नहीं, आगे काफ़ी चला जाता है, शो के भिड़ने लग जाता है भाई पैर।
तो ये मेरे को काफ़ी बड़ी दिक्कत लगी। और आपने वीडियो में देखा कि पता नहीं कि ट्रैक्टर की जो है रेस स्लो कर रखी है भाई, आगे से जो काफ़ी ज़्यादा शो हिल रही है। वैसे भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं आपको जो है बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे को ट्रैक्टर चलाने में कैसा लगा। मेरे को गियर शिफ्टिंग अच्छी लगी, ब्रेक्स वगैरह उतने कुछ खास नहीं लगे, कम्फर्ट वगैरह ठीक ठाक है ट्रैक्टर का। क्रिपर गियर के अंदर आता है भाई ये, 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर के साथ। 16 के टायरों के अंदर आपको ओनली ये मिलेगा। पता नहीं भाई 16 के टायर के कारण दब सकता है, लेकिन भाई कंपनी को 14 के भी देने चाहिए थे, क्योंकि जो 16 के अंदर काफ़ी ज़्यादा आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। मान लो कि 2000 मैंने कर दिया आरपीएम, तो ये 1200-1100 पर भी आ जाता है भाई। क्लच दबाकर इसे छोड़ना पड़ता है, तब जाकर ये कुछ मौसम बनाता है भाई। वैसे ये बिल्कुल भी आरपीएम ड्रॉप कर देता है। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 8,40,000 रुपये में आपको जो है ऑन रोड मिल जाएगा आइसर 557 फाइव स्टार क्रिपर गियर टॉप मॉडल, 8,40,000 रुपये में ऑन रोड मिल जाएगा विद कागज सब कुछ मिलाकर। आपको जो है 8,40,000 रुपये में ऑन रोड मिल जाएगा आइसर 557 फाइव स्टार क्रिपर गियर टॉप मॉडल। ये जो एजेंसी हरियाणा मंडी आदमपुर के अंदर एजेंसी है, वहाँ का जो है नंबर मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कॉन्टैक्ट करके आप जो और मॉडलों के प्राइस वगैरह पता कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना मुझे, जो क्या कुछ इसके अंदर कमी महसूस हुई, क्या कुछ इसके अंदर जो है बढ़िया लगा। मैंने आपको जो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू बता दिया कि आप जो है आइसर 557 लेने वाले हैं, तो आपको जो है बिल्कुल सही सही बातें बता दी, क्या कुछ आपको जो इसके अंदर कमी लग सकती है और क्या कुछ आपको जो इसके अंदर खूबियाँ मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आइसर 557 क्रिपर गियर टॉप मॉडल आपको कैसा लगा 2024 मॉडल, कमेंट करके जरूर से बता देना।